नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कांग्रेस पार्टी को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल G23 के समूह ने आज बड़ा ऐलान जारी करते हुए चुनाव से पहले ही पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है। दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी के नेतृत्व में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसके अंदर अब G23 के दिग्गज 23 नेताओं के खिलाफ में बड़ा फैसला लिया जाएगा। वहीं G23 के दिग्गज नेताओं से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्व CM गुलाम नबी आज़ाद पिछले 3 महीनों से लगातार रैली और प्रदर्शन भी दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि BJP के साथ में गठबंधन होने की बड़ी तैयारी में। चुनाव 5 राज्यों के अंदर होने वाले हैं 2022 के अंदर, उसके साथ में जम्मू कश्मीर के भी चुनाव होने की बड़ी तैयारी में। एक तरफ BJP पार्टी के समर्थन में बयान दे रहे G23 के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और राज बब्बर जैसे कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस और सोनिया गांधी के नेतृत्व के खिलाफ में एक बार फिर से अपनी आवाज़ उठा दी। 5 राज्यों के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ा उलटफेर होने की तैयारी में है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर भारत मुक्त कांग्रेस करने की बड़ी तैयारी में। BJP पार्टी के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन के अंदर अब धीरे धीरे कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी जुड़ते हुए नजर आ रहे। शशि थरूर के द्वारा दिए गए बयान के बाद में कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद पार्टी के समर्थनों के इस्तीफा दिए जाने के बाद में अब आज़ाद ने भी अपना पूरी तरीके से रुतबा कायम करने की तैयारी में। 5 राज्यों के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव सबसे ज़्यादा सरगर्मियां बढ़ी हुई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश है तो दूसरी तरफ पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ी हुई है। एक तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि G23 के दिग्गज नेताओं के बड़े ऐलान के बाद में कांग्रेस पार्टी के लिए ये तगड़ा झटका होगा, जहाँ एक तरफ पंजाब के अंदर पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए जाने के बाद में G23 का समूह एक बार फिर बड़े तौर पर एक्टिव हो चुका है। BJP पार्टी के समर्थन में जाने की बड़ी तैयारी में है, क्योंकि कैप्टन के BJP के साथ में गठबंधन होने के बाद में कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार मुसीबतें खड़ी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की दिग्गज नेता आदित्य सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को ये तगड़ा झटका लगा है। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी अपना मैनिफेस्टो महिलाओं के समर्थन में घोषणा करने वाली है, जिसके अंदर कई बड़े वादे भी किए जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि G23 के दिग्गज नेताओं के साथ में कई बड़ा उलटफेर होगा, जहां अगर ये पार्टी के नेता उनके खिलाफ में बड़ा कोई एक्शन लेते हैं तो G23 के दिग्गज नेताओं का समूह अपनी पार्टी से अलविदा कह लेगा। जम्मू कश्मीर के नेता और पूर्व CM गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए, तो दूसरी ओर पार्टी के द्वारा लगातार उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि पंजाब के अंदर हो रही सियासी राजनीति के बाद में कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी जरूर दी गई है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा दिखाई दे रहे तीखे तेवरों के बाद में कांग्रेस पार्टी लगातार डूबती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से सोनिया गांधी प्रत्येक दिन दिल्ली के अंदर कांग्रेस नेताओं के साथ में बड़ी बैठक भी कर रही है। G23 के दिग्गज नेताओं पर उठाए गए सवालों के बाद में कांग्रेस पार्टी के लिए इस बात की चिंता है कि अब उनके इस बगावत को आखिरकार कैसे रोका जाएगा, क्योंकि पंजाब के अंदर हो रही बगावत के बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी के साथ साथ BJP पार्टी से गठबंधन का आज ऐलान भी जारी कर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज महिलाओं के समर्थन में अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो के अंदर जारी करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी बयान देते हुए कहा कि अब योगी सरकार के खिलाफ में वो जमकर निशाना साधेगी और उनके खिलाफ में खड़ी होगी। BJP की सरकार के समर्थन में लगातार गृह मंत्री अमित शाह की पहली रैली के बाद में सर्वे बदल चुका है और अब कांग्रेस पार्टी के लिए ये तगड़े झटके की बात होगी कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अगर कुछ नया करिश्मा कर पाती है तो सोनिया गांधी को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होगा और G23 के दिग्गज नेताओं को मनाना होगा, अन्यथा प्रियंका और राहुल से लगाकर कांग्रेस पार्टी के लिए भी चिंताजनक बात होगी। गुलाम नबी आज़ाद मोदी के समर्थन और BJP के समर्थन में जम्मू कश्मीर के अंदर कई बड़े बयान भी दे चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बयान देते हुए कहा कि राजनीति के अंदर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी पलटवार हो सकता है जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि प्रत्येक राज्य के अंदर, जहां कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर पड़ी हुई है। वहीं आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यह भी सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे ख़त्म होने की बड़ी तैयारी में जुटी हुई है और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी वाड्रा लगातार उनकी बात को मानते हुए नज़र नहीं आ रही है, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड और गोवा के अंदर भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन G23 के दिग्गज नेताओं के द्वारा समूह अब पूरी तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है, जहां तक कि
गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में कई बड़े नेता सामने आ चुके हैं। राज बब्बर जैसे कई नेताओं ने बयान भी दे चुके हैं, यहाँ तक कि शशि थरूर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ में पहले भी बयान दे चुके हैं, और अब कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से कांग्रेस और सोनिया के नेतृत्व पर बड़े सवाल उठा दिए। विपक्ष के नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी से अब अपना अलग रास्ता चुन लिया है, जहाँ संजय राउत जो महाराष्ट्र के सांसद हैं उनके द्वारा कल की हुई मुलाकात के बाद में बड़ा बयान ये भी दिया गया कि जल्द कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर होगी, अन्यथा विपक्ष की सभी पार्टियों को मिलकर बीजेपी पार्टी के खिलाफ में छिड़ना होगा। नहीं तो कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि विपक्ष की सभी पार्टियाँ बीजेपी के सामने एक तुच्ची भर नज़र आएगी, और इसी वजह से कांग्रेस ही नहीं बल्कि अदर पार्टियों के नेता भी लगातार धीरे धीरे पार्टी छोड़ने की बड़ी तैयारी के अंदर जुटे हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत तैयार करती हुई नज़र आएगी, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी की नेताओं के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है सीटों को लेकर। 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले पंजाब के अंदर भी अभी तक सीटें नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के सीएम चेहरे को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस नज़र आ रहा है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू है तो दूसरी तरफ चरणजीत सिंह सन्नी है। अब धीरे धीरे खुलकर इस मुसीबतें भी सामने आ रही है कांग्रेस के साथ में। अंदरूनी कलह को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से नाराज और टूटने की कगार पर। गुलाम नबी आज़ाद ही नहीं बल्कि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के 15 साल की राजनीति कांग्रेस के अंदर रहने के बाद आखिरकार ऐन वक्त पर हटाए जाने के बाद और अब बीजेपी से हुए गठबंधन के बाद में कांग्रेस के लिए ये चिंताजनक बात होगी कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी भारत के अंदर पूरी तरीके से मुक्त होने की तैयारी में। राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को भी पसंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ तक कि वरिष्ठ और अनुभवी नेता भी बयान दे चुके कि इनके पास में कोई अनुभव नहीं है, ये सिर्फ राजनीति के नाम पर ऐसे ही ढोंग रचा रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को इसकी बुरी कीमत भी चुकानी होगी। जैसा कि पंजाब राज्य के अंदर देखा जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटाए जाने और नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने के बाद में पंजाब कांग्रेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी बढ़ा हुआ है। अब राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के द्वारा दिए जा रहे बयान और कैप्टन की पत्नी को भेजे गए नोटिस के बाद में काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियाँ हैं, और एक तरफ G23 के दिग्गज नेता, दूसरी तरफ सोनिया गांधी का पूरी पलटन खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। CWC की बैठक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा पहले भी हो चुका है। कांग्रेस के पास में अब कोई बड़ा मुद्दा नज़र आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि राकेश टिकैत के समझौते के बाद और गृहमंत्री अमित शाह के किरण को वापस लिए जाने के बाद में अब ये पूरी तरीके से साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब के पास में कोई इस बार चुनावी मुद्दा रहता हुआ नज़र नहीं आएगा और पार्टी पूरी तरीके से टूटने की कगार पर खड़ी हो चुकी है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।